हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है तुहाडा मेरे इस चैनल ते। प्लीज़ मेरे इस चैनल नू ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ते बैल आइकन नू जरूर प्रेस करो। ते अज आपां बनावांगे बर्गर आलू टिक्की। ते आ देखो, एकदम कुरकरी बनी सीगी टिक्की। ते जो आपां इहदे लई समान लिया, मीडियम साइज़ दे मैं ले ने 8 आलू। तो इन्हों आप चंगी तरह मैश कर लाँगे। मैश करन तो बाद आप कुछ मसाले ऐड करांगे। आ मैं लिया रेड चिली फ्लेक्स, ऑरगैनो। इन्हों के नाल टिक्की दे विच टेस्ट बहुत बढ़िया आता। एक मैगी मसाला का पाउच लिया, इसनों भी आपां इहदे विच मिक्स करांगे। इत्थे मसाले तुसीं अपने होर भी चॉइस दे ऐड कर सकदे होगे, जिवें चाट मसाला हो गया। ते आ मैं चटनी बनाई सीगी, हरी लाल मिर्च ते थोड़ी जी अचार वाली मिर्च लै के। ते आ थोड़ी जी आपां इहदे विच पावांगे ग्रीन सॉस चटनी। इहदे नाल चटनी जिहड़ा आपां टिक्की बनावांगे उहदा टेस्ट बहुत वधिया हुंदा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट पावांगे, बहुत वधिया हुंदा फ्लेवर। ते लास्ट दे विच आपां ऐड करांगे इहदे विच कॉर्नफ्लावर। बाइंडिंग लई इत्थे तुसीं बाइंडिंग दे लई चौलां दा आटा भी यूज़ कर सकते हो। मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हाँ, तुसीं मैदा भी यूज़ कर सकते हो। गे जिदा अपने को कई बार घर ओट्स पाए होंगे ने गे, तो उन्होंने तुसीं ग्राइंड करके उन्हों का भी चूरा इत्थे यूज़ कर सकते हो। हाँ देखो, आप चंगी तरह हुण मिक्स करांगे सारा मिक्स। चंगी तरह आपां इहदा एक सैमी डो तैयार करांगे। ते लास्ट दे विच ऐड करांगे नमक। ते हुण आपां थोड़ा जिहा हत्थां नूं लावांगे ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल। ते हुण आपां चंगी तरह डो नूं बस मिक्स कर लांगे। हाँ देखो, हुण इह बंधन लग गया। तो थोड़ा जिहा ऑयल होर लवेंगे। प्लीज़ तुसी मेरे इस चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक शेयर सबसक्राइब करो। जे तुसी मेरे चैनल नूं हजे तक नहीं किया सबसक्राइब, तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लियो। तो वीडियो नूं अगे जरूर शेयर करया करो। तो हत्थां नूं आपां लगावांगे तेल। तो हुण आपां इहदे बना लाँगे टिक्कियां। हाँ देखो, थोड़ा जिहा पोषण लैके उसनूं गोल गोल करके तो इस तरह प्रेस कर देंगे। हाँ देखो, एक मैं तुहानूं होर बना के दिखानी हाँ। इस तरह राउंड करांगे। देखो, जे साइडा तो क्रैक वगैरह भी होंगी वो कोई चक्कर नहीं होता। हाँ देखो, मैं सारिया टिक्कियां बना के कर लिया ने तैयार। तो ये मैं जो टिक्कियां बनाइया ने गियां, ये मैं तुहाडे नाल बर्गर की रैसपी जरूर शेयर करूँगी एक दो दिन दे विच। हाँ देखो, आप टिक्की नूं करांगे शैलो फ्राई। तवे ते आपां पा लिया ऑयल। तो हुण आपां इहदे कर दांगे टिक्कियां नूं प्लेस। आ देखो, एक बारी च जिन्नियां तवे ते आउणगियां आपां रखांगे। प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्सिओ तुहानूं इह मेरी किद्दां लगी रैसपी। आ देखो,
मीडियम टू लो फ्लेम दे विच आपां इहनां नूं शैलो फ्राई करांगे। आ देखो थोड़ा जिहा आपां इस तरह प्रेस कर दांगे स्पैचुला दे नाल। देखो बहुत ही ज़्यादा वधिया बनदियां नेगियां, घर दे विच ही आपां बना के तैयार कर सकते हैं। नाले कुछ ज़्यादा समान नहीं हैगा, मोस्टली ये समान अपने घर च पाया हुंदा। आ देखो आपां सारिआं नूं थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दांगे तां जो दूसरे पासे भी अपने टिक्के वधिया गोल्डन ब्राउन होण तक। आ देखो कलर किन्ना वधिया आया अपनी टिक्कियां दा। प्लीज़ तुसी घर दे विच जरूर बना के देखो। इन्हां नूं तुसी जरूरी नहीं हैगा वी बर्गर दे विच ही ओह करना, तुसी वैसे भी खा सकदे होगे हरी चटनी दे नाल, जिद्दां शाम वगैरह नूं चाह पीने आ तुसी उस टाइम इन्हां नूं स्नैक्स दे तौर ते यूज कर सकदे होगे, खा सकदे हो, वधिया लगदियां नेगियां। देखो टिक्कियां अपनियां हो गईयां नेगियां शैलो फ्राई, ते हुण आपां इन्हां नूं देखो किन्ना सोहणा कलर आया अपना टिक्कियां दा। ते सेम प्रोसैस दे नाल अपना जो सैकेंड बैच आ उसनूं आपां शैलो फ्राई कर लांगे। टिक्कियां बन के अपनियां हो गईयां ने तैयार। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करे। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। बाय बाय गाइस।